Blessed Satchinandana Gaur Hari Ki, Blessed Chaitanya Mahaprabhu Ki, Hare Krishna. हम लोगों ने गुरु वैष्णव के अनुगत में श्री क्षेत्र मंडल परिक्रमा करते करते अभी हम जहाँ पर पहुंचे हैं, ये स्थान का नाम है गंभीरा। क्या नाम है? गंभीरा। क्या नाम है? गंभीरा। बोले गंभीरा मतलब ये उड़िया भाषा है। गंभीरा मतलब होता है एकदम गुप्त स्थान है, एकदम गोपनीय स्थान है। देखो ये स्थान को देखो, जैसे ऐसे आए ऐसे आए ऐसे आए और ऐसे गए, अरे ऐसे आए तो महाप्रभु का मंदिर दिखाई ना, ऐसे 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 और ऐसे महाप्रभु का जो घर है एकदम गंभीरा है। और चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी है, इसलिए सन्यासियों को कैसे जीवन निर्वाह करनी चाहिए, इसलिए चैतन्य भागवत में बताया, साधु पावा बड़ो कृष्ण जिबेरे जानिया, साधु गुरु रूपे कृष्ण आयला नदिया। क्योंकि कलयुग में साधु मिलना बड़ा कठिन है, इसलिए साधु का आदर्श को देने के लिए कृष्ण स्वयं एक साधु रूप धारण करते हुए उनने शिक्षा दिया है सन्यासियों को, साधुओं को कैसे रहनी चाहिए, उनकी रहन सहन खान पान कैसे होनी चाहिए। महाप्रभु स्वयं अपना जीवन में उतारते हुए उन्होंने दिखाया। इसलिए कितना बड़ा छोटा घर देखो, इतना बड़ा छोटे घर है। कहां अनंत कोटि विश्व ब्रह्मांड का मालिक है, दुनिया का कहां प्रभु है, लेकिन कितना इतने छोटी घर है, कोई पंखा पंखा कुछ है नहीं, और इतने से छोटी घर में कितने कष्ट करके महाप्रभु रहते थे यहाँ पर। क्यों? वो शिक्षा देते हैं भजन करने के लिए हमें हमारी आदर्श कैसे होनी चाहिए। इसलिए यहीं पर महाप्रभु रह करके महाराज बता रहे थे ना, राधिका भाव गंभीर। गंभीर मतलब जहां पर श्रीमान चैतन्य महाप्रभु जो गंभीर भाव को उन्होंने वृंदावन में भी आस्वादन नहीं कर पाए। इसलिए जब कृष्ण चंद्र वृंदावन में आए और उनने सारे सख्य वात्सल्य मधुर ये सारे रस को उन्होंने आस्वादन की, और जब गोलोक वृंदावन में कृष्ण गए एक दिन निकुंज में बैठ करके स्मरण कर रहे हैं, क्या याद कर रहे हैं, बोले मेरे जीवन में जो कुछ इच्छा थी सारी इच्छा को मैंने पूरी की, मैं भगवान होकर के भी सखाओं का सखा मैंने बन गया, उनको झूठा न खाया, भगवान होकर के भी मैया जसोदा मेरे को उखल में बांध दी, दुनिया को मैं बांधता हूँ मैया मेरे को बांध दी, और भगवान होकर के भी घर घर में मैंने मक्खन चुराए, अगर मैया कभी बोले लाला तेने मक्खन खाई, मैंने डर से बोल दिया, क्या बोल दिया, बोले मैया मोरी मैंने मक्खन खायो, इसलिए मैया की डर में मैंने डर गया है, और मैं भगवान होकर भी गोपियों को प्रेम में राधा जी की प्रेम में स्वयं में प्रेम में बंध गया, और उनको प्रेम की भीख उनके चरण में गोपियों के चरण में प्रेम की भीख मांगी, लेकिन एक जो चीज है ना वो कहते मेरे दिमाग से ऊपर चला गया, बोले वो कौन सा चीज है, बोले राधा या प्रणव महिमा की दृश्यम, राधा रानी की प्रेम की क्या अद्भुत महिमा है, राधा जी की प्रेम की महिमा मैंने समझ पाए, और मेरे अंदर में जो माधुर्य है जिसे अगर मैं अपना परछाई को मणि स्तंभ में देखता हूँ मैं स्वयं पागल बन जाता हूँ, कहता हूँ अपरकलित पूर्वम कष्ट मत कारकार, ये कौन है इतने सुंदर, ये कौन है इतने सुंदर, इसलिए मैं स्वयं मेरे रूप को यद्यपि सारे भक्त आस्वादन करते हैं लेकिन पूर्ण रूप में कौन आस्वादन करती है, बोले श्रीमती राधा रानी, वो कैसे आस्वादन करती है, और राधा रानी मेरे प्रेम को आस्वादन करके उनके मंदिर में क्या आनंद होता है, मैं भी राधा जी को दर्शन करता हूँ मुझे भी आनंद होता है, लेकिन राधा रानी मुझे दर्शन करके जो आनंद प्राप्त करती है कितना गुण, बोले करोड़ गुण ज्यादा आनंद, एक दो दस गुणा नहीं, कहते करोड़ गुण ज्यादा आनंद श्री राधा रानी को प्राप्त होता है इतने। इसलिए कृष्ण सोचते हैं मेरी आवाज को सुन करके विश्व ब्रह्मांड मुक्त हो जाते हैं, लेकिन जब राधा जी की आवाज सुनता हूँ मैं मुक्त हो जाता हूँ, मेरी स्पर्श करके विश्व ब्रह्मांड इतने कोमल कृष्ण है कोटि चंद्र सुशीतल है, लेकिन जब मैं राधा रानी को स्पर्श करता हूँ मैं स्वयं सुशीतल हो जाता हूँ,
मेरी आवाज सुनकर के विश्व ब्रह्मांड मुक्त, लेकिन मेरी बंसुरी ध्वनि सुनकर विश्व ब्रह्मांड मुक्त, लेकिन राधा जी की गले की आवाज सुनकर के मैं स्वयं मुक्त हो जाता हूँ। हे क्या राधा रानी के अंदर में प्रेम की एक सीमा है, लेकिन प्रेम बढ़ते 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 राधा कृष्ण में दोनों प्रेम बढ़ती होड़ लग जाती है। बढ़ते बढ़ते ऐसे स्थिति आता है जहां पर कृष्ण वहीं पर स्थिति, उससे और नहीं जा पाते हैं, लेकिन राधा रानी का जो प्रेम बढ़ते 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 उसको सीमा नहीं, वो कहां तक पहुंच जाती है, और जहां पर कृष्ण, जहां पर राधा जी को प्रेम के सामने कृष्ण स्वयं फेल हो जाते हैं। इसलिए कृष्ण सोच रहे हैं, भैया जरूर ये राधा जी के अंदर में कोई एक विशेष चीज है जो चीज मुझे पता नहीं, अतएव अभी ये चीज को मैं आस्वादन कैसे करूं। अब कृष्ण तो चोर है ही है, चोर तो वही है, इसलिए ब्रजे प्रसिद्धम नवनीत चौरम अनेक जन्मार्जित पाप चौरम, इसलिए सारे चोर बोले चौराग्र गण्यम पुरुषम नमामि, वो चोर के सबसे बड़े चोर कौन है, ये कृष्ण सबसे बड़े चोर है, इनसे बड़े चोर कोई है नहीं, लेकिन इसलिए चोरी करना का तो आदत है ही है, उन्होंने राधा रानी का अंग काटे और भाव को उन्होंने चोरी किया, चोरी करके कलयुग में उन्होंने श्री सच्चिदानंदन गौर हरि बन करके जगत में आए। इसलिए गंभीरा, इसलिए जो भाव गंभीर को कृष्ण स्वयं परात पर तत्व होते हुए भी जो भाव गंभीर को, वो कहां पर गोलोक वृंदावन में जो चीज को वो आस्वादन नहीं कर पाए, वो वस्तु को कहां पर आस्वादन किया, बोले ये गंभीरा में, कहां पर आस्वादन किया, ये गंभीरा में, इसलिए स्थान का नाम क्या गंभीरा, जहां पर राधा जी की प्रेम जो गंभीर है, वो गंभीर रस में जहां पर श्याम सुंदर स्वयं राधा जी की प्रेम रूपी समुद्र में स्वयं जब डुबकी लगाते जिसका था नहीं पाते हैं, इसलिए जो था नहीं पाया जो प्रेम को, उन्होंने ये गंभीरा में बैठी करके वो गंभीर रस को आस्वादन किया, इसलिए स्थान का नाम क्या पड़ गया, गंभीरा नाम पड़ गया। यही पर श्री चैतन्य महाप्रभु रात भर बैठ करके स्वरूप राय रामानंद को साथ में, यहाँ पर सारे दरवाजा बंद है, ये दरवाजा बंद, वो दरवाजा बंद, वो दरवाजा बंद और वो दरवाजा, चार चार दरवाजा बंद बंद, तार चार तरफ में सामने श्री कौन बैठे, गोविंद सामने बैठे हुए, महाप्रभु अंदर में दरवाजा बंद, लेकिन सवेरे जब दरवाजा खोलते महाप्रभु है नहीं, अंदर में महाप्रभु है नहीं, फिर महाप्रभु कहां, फिर ढूंढते हैं कहां, जगन्नाथ जी के मंदिर को सामने, कभी जगन्नाथ बल्लभ जी को सामने, कभी आई तोटा गुंडीचा मंदिर में, और कभी महाप्रभु समुद्र को उन्होंने जमुना मान करके छलांग लगा देते हैं, लगा करके और जली की जाल में, जहां चक्र तीर्थ हमारा जहां गुरु जी की मठ है वहीं पर जली की जाल में कभी कभी महाप्रभु वहां उठते हैं, इसलिए यहीं पर महाप्रभु बैठ करके रात दिन भर, महाराज बता रहे थे ना गीत गोविंद चंडीदास की पद्यावली और ये सब चीज को यहीं पर बैठ करके महाप्रभु आस्वादन करते थे, और कभी कभी प्रेम में, हाँ प्रेम में कभी कभी उन्होंने अपना नाक को उन्होंने दरवाजा में ऐसे घिसते थे, दरवाजा में महाप्रभु घिसते थे, कभी कभी सारा शरीर खून से लथपथ हो जाता था, कभी मिलते थे जगन्नाथ मंदिर को सामने, ये ग्रंथि अलग, ये ग्रंथि अलग, शरीर का सारे ग्रंथि अलग लंबे होकर के अपना भयानक स्वरूप, कभी कभी कछुआ का जैसे चारी शरीर में, शरीर का जो प्रेम के द्वारा सारा शरीर हाथ पैर अंदर में घुसर जाती थी और कछुआ का रूप धारण करते हुए पड़ते रहते थे ऐसे, इसलिए श्रीमन महाप्रभु का शरीर में जो दिव्य उन्माद, महाराज बता दिव्य उन्माद, चित्र जल्प अभिजल्प संजल्प विजल्प, रूप गोस्वामी एक एक प्रेम की उन्होंने एक एक उन्होंने लक्षण बताया, कौन सा लक्षण प्रकट होने पर कौन सा भाव कहते हैं, ये सब के सब अगर किसको शरीर में प्राप्त हुआ ना, श्रीमन महाप्रभु का शरीर में, और वही जो रूप है श्री जगन्नाथ जी, अगर प्रेम का जो रूप है ना, और राधा जी के प्रेम में कृष्ण स्वयं ये द्रवीभूत होकर जगन्नाथ जी बने, इसलिए श्रीमन चैतन्य महाप्रभु यहीं से रोज, महाप्रभु यहीं से जगन्नाथ जी को आरती और जगन्नाथ जी को दर्शन करने जाते थे, बोले क्यों, बोले जगन्नाथ जी का जो रूप है ना, वो महाप्रभु जो चीज को आस्वादन करने के लिए आए वो जगन्नाथ जी का वही रूप है, इसलिए महाप्रभु पुरी में आए और पुरी में आकर के गंभीरा में रहकर आस्वादन करते थे, इसलिए इसका नाम है काशी मिश्र भवन। ये जो काशी मिश्र कौन, कृष्ण लीला में कौन, बोले कुब्जा, जैसे कुब्जा ने कुब्जा किया कि कृष्ण को पकड़ करके जब कृष्ण उनको सुंदर स्वरूप दिया, कुब्जा ने क्या किया, कृष्ण कपड़े पकड़ लिए, बोले चलो हमारे घर में चलो,
हमारे घर में चलो। इसलिए जब महाप्रभु आए ना, उनको पकड़ करके काशी मिश्र ने यहीं पर ले आए, बोले चलो यहीं पर। और ये मंदिर का नाम राधाकांत मंदिर है, राधाकांत मंदिर। बोले क्यों, आप लोग मंदिर में प्रवेश करते हुए आप लोगों ने बाम हाथ में देखना वो राधाकांत ठाकुर जी है। बोले ये ठाकुर जी कहाँ से लाए, बोले जिस समय राजा श्री पुरुषोत्तम देव ने जब उन्होंने कांची विजय किया था, बहुत लंबी कथा है, जब कांची विजय किया था वहां से चार चीज लेकर के आए। पहला नंबर एक भंड गणेश लाए, दूसरे नंबर में मयूर सिंहासन लाए, तीसरे नंबर में राधाकांत लाए और चौथा नंबर में उन्होंने राजकन्या कुआस लाए। और उसमें जो एक ठाकुर जी, ये राधाकांत ठाकुर जी को उन्होंने कांची से विजय करके लाए और उसी ठाकुर जी को इसी मंदिर में स्थित है, इसलिए ये मंदिर का नाम राधाकांत मंदिर भी ये मंदिर को कहते हैं। इसलिए महाप्रभु ने जो 26 साल में संन्यास ग्रहण किया, 6 साल तक उन्होंने संपूर्ण भारत में भ्रमण किया और उन्हें 18 साल तक श्रीमन महाप्रभु यहीं पर रहे, इसी मंदिर में रहे और उन्होंने राधा जी के दिव्य भावों का आस्वादन किया और विश्व ब्रह्मांड में सारे भक्तों को उसका छीटा भोटा भी सारे भक्तों को दिया। और जो छीटा भोटा को पा करके आप लोग देश विदेश से सबके सब यहाँ पर आते हो और श्री सचिनंदन गौर हरि की, श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की आप लोग आस्वादन करते हो। इसलिए हम लोग बड़े भाग्यवान है जो कि गुरु वैष्णव का अनुगत्य में इस दुर्लभ स्थान में हम लोग आए हैं, हम लोग बड़े भाग्यवान हैं।